और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां कुश्ती संघ विवाद पर बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था, और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा, और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर सवाल पूछो। एक एक करके एक सवाल एक बार। सर 11 महीने से पूरा खेल बंद हुआ पड़ा था, 31 दिसंबर के बाद अगर ये टूर्नामेंट आप लोग कराते तो 1 साल युवाओं की बर्बाद होती, ये आपने कहा है। लेकिन सर सवाल ये उठ रहे हैं कि नंदिनी नगर में कराया और साक्षी ने सबसे पहले ट्वीट करके ये कहा कि वहां पर अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो। तो कह रहे नियमों की अनदेखी की गई, वो उस पर क्या कहना चाहिए, इसलिए सस्पेंड किया। वो पूरी बात मैंने बता दी। सर जेपी नड्डा जी से क्या बात, क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप, उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए, वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। सर कुछ पोस्टर्स बाहर लगे हुए थे, दबदबा है, दबदबा पहले था वहीं रहेगा, भगवान ने दे रखा है, इन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया इस फैसले के बाद। हाँ, लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बुआ रही, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। सिंह साहब, 27 जुलाई को कहा जा रहा है कि आपने मॉनसून सत्र के दौरान ये कहा कि ये जो भी चल रहा है रेसलर्स और फेडरेशन के बीच में, इससे आप दुखी हैं और आप के पोजीशन से भी रिजाइन करना चाहते हैं, और फिर आलाकमान ने आपको रोका कि आप रिजाइन नहीं करिए। क्या कैसरगंज सीट से 27 जुलाई को आपने इस्तीफे की पेशकश की थी? नहीं, गलत सूचना है, ये गलत सूचना है। आपने ऐसा जो भी, नहीं नहीं, ये गलत सूचना है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूँ, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूँ, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूँ, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूँ, नड्डा जी से भी भेंट करता हूँ, ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया।
सर एक सवाल, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं आप आज मिनिस्टर से? देखिए वो मेरे नेता हैं, मेरे एक काम तो है नहीं, चुनाव आने वाले हैं, मैं कभी भी किसी से मिल सकता हूँ। तो सर एक सवाल है, मंत्री से भी मुलाकात की है? नहीं। तो इस सब घटना को लेकर? नहीं 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 नहीं। तो सर अगर कोई बात होगी उनके स्तर की कोई बात होगी, देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। तो सर आने वाले समय में जो हो रही है उसमें कोई भूमिका नहीं होगी है? जो भी होने वाला है चाहे कानूनी, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं, अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। सर हमने ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ब्रजभूषण जी जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि WFI का ऑफिस वही है जो जहां पर जिस शिकायत की गई थी यौन शोषण हुआ वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या ऑफिस बदलेंगे? मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। सर शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए करीबी तो आप भी मेरे हैं, संजय सिंह भुइयार हैं, मैं राजपूत हूँ, छत्री हूँ, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा जो आपका दावा?